Hello guys, welcome back to you all on our YouTube channel Tech Computer Education, and in this video lecture we are going to learn on HTML. And in the previous lecture we already discussed about the table tag, and in this lecture we are going to discuss about table TD tag, means table data tag and its attributes. Well guys, अभी तक जो भी हमने table tag के अंदर पढ़ा था and जो भी हमने उसके attributes पढ़े थे, वहाँ पर हम formatting करते थे entire table में. But now by using td tag we are going to format a particular cell. यहाँ पर हम particular cell के अंदर formatting करने वाले हैं. So guys, चलते हैं इसके attributes की तरफ and देखते हैं उन्हें किस तरीके से use किया जाता है. First attribute guys आता है हमारा align. So align आप पहले से जानते हैं align का meaning क्या होता है, top, center, left, right. Well guys, the align attribute is used to display the position of the text in a particular cell. Particular cell के अंदर position of the text. Position का meaning right side में, left side में, top में, bottom में या center में. So guys, यही इसकी सब values हैं. Then आप यहाँ पर एक chart देख सकते हैं. Top left, top center, top right, middle left, middle center, middle right, bottom left, bottom center, bottom right. नेक्स्ट गाइस, अगर हम बात करते हैं देन बैकग्राउंड, यू ऑलरेडी नो अबाउट द बैकग्राउंड. इट इज यूज्ड टू इंसर्ट इमेज इन अ पर्टिकुलर सेल. उस पर्टिकुलर सेल के अंदर अगर हमें कोई भी इमेज अप्लाई करनी होती है देन हम बैकग्राउंड का यूज करते हैं. एंड यूज करने का पैटर्न आपका सिमिलर है जैसा कि आप बॉडी टैग के अंदर पढ़ चुके हैं एंड टेबल टैग के अंदर पढ़ चुके हैं. सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं हेडर एंड फुटर के अंदर एक इमेज अप्लाई की हुई है. सो इस टैग की इमेज लगाने के लिए पर्टिकुलर सेल में हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करते हैं. नेक्स्ट गाइस, हम देख लेते हैं बीजी कलर. बीजी कलर इज यूज टू डिफाइन कलर ऑफ ए पर्टिकुलर सेल. पर्टिकुलर सेल का अगर हमें कलर चेंज करना होता है देन हम बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे. इस वीडियो लेक्चर के एंड में अभी हम देखने वाले हैं कि इन सभी का यूज हम किस तरीके से करते हैं. अभी हम सिर्फ समझ लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है. वेल गाइस, बीजी कलर का यूज बैकग्राउंड कलर के लिए. पर्टिकुलर सेल का अगर हमें कलर चेंज करना होता है देन हम बीजी कलर का यूज करते हैं. नेक्स्ट, वेल गाइस, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विद रो स्पैन एंड कॉल स्पैन के बारे में. सबसे पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं. देन अगर हम विद के बारे में बात करें, विद एट्रीब्यूट डिफाइंस विड्थ ऑफ एन इंडिविजुअल सेल व्हेन स्पेसिफाइड आइदर इन पिक्सल्स और इन परसेंटेज ऑफ द टेबल विड्थ. वेल गाइस, टेबल विड्थ के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यूज को पिक्सल्स के अंदर दे सकते हैं एंड परसेंटेज, दोनों में से किसी में भी हम इसकी वैल्यूज को दे सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करें रो स्पैन के बारे में. देन रो स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज टू मर्ज द रोज एंड कॉलम एट्रीब्यूट इज यूज फॉर मर्ज कॉलम्स. देन गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रो स्पैन एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलम स्पैन. सो गाइस, चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ एंड देखते हैं कि इन सभी को किस तरीके से यूज किया जाता है. गाइस, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा. बीच में अगर कोई भी पॉइंट आपका स्किप होता है देन आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा. सो लेट अस स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल. वेल गाइस, हम आ चुके हैं अपने प्रैक्टिकल क्लास में एंड यहाँ पर आपके सामने ऑलरेडी एक कोड लिखा हुआ है एंड उसका आउटपुट भी आपके सामने है. सो गाइस, चलते हैं एक बार एंड इस कोड को एक बार रीड कर लेते हैं. देन HTML, आफ्टर दैट हेड टैग, देन टाइटल इज टेक कंप्यूटर एजुकेशन, इट्स माई चैनल नेम. नेक्स्ट बॉडी BG कलर रेड. सो गाइस, आप देख सकते हैं ये इसका आउटपुट है एंड इसके आउटपुट को भी आप ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार इस तरीके से अपने कोड को रीड करना सीख गए कि कोड को रीड कर रहे हैं उसके बाद आप डायरेक्ट उस पेज को भी आप देखते हुए जा रहे हैं देन आपके समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा, सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे. देन नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करें दें सेंटर, आप देख सकते हैं मेरा सभी टेक्स्ट सेंटर में आ रहा है एंड आप ये भी देखिएगा कहाँ से सेंटर टैग स्टार्ट हो रहा है. देन ये सेंटर टैग आने के बाद मेरा जो भी डेटा आएगा वो सभी पेज के सेंटर में आएगा. देन टेबल मार्क्यू बीजी कलर येलो फॉन्ट साइज 10, देन इटैलिक्स के अंदर टेक कंप्यूटर एजुकेशन एंड आई टेक क्लोज फॉन्ट टैग क्लोज. सो गाइस, ये मेरा कोड है मार्क्यू के अंदर. ये टेक्स्ट जो मेरा मूव हो रहा है ये वहाँ के लिए है. आप देख सकते हैं मैं इसका साइज अगर मैं कम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं इसका साइज कम हो जाएगा. मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल एस किया है देन पेज पर आकर मैंने इसको रीलोड किया. देन गाइस, आप देख सकते हैं मेरा साइज कम हो चुका है. मैं वापस से 10 कर देता हूँ क्योंकि 10 थोड़ा अच्छा लग रहा है. देन कंट्रोल एस मैंने किया, मीन्स मैं चेंज करने का सेव करता हूँ. देन आप देख सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं फॉन्ट साइज, मैंने 5 कर दिया है. देन H4 हेडिंग में मैंने दिया है.
Here we show the example of TG tag with attributes. Then मैंने अपने tags को यहाँ पर close भी कर दिया. Then attributes S3 यानी कि उससे और छोटे size में मैंने दिए हैं यहाँ पर. Then attributes of TG tag. Then हम आगे चलते हैं. Then align background PG color with row span and call span V align. So guys चलते हैं आगे. Now H1 में मैंने दिया हुआ है यहाँ पर use all the attributes. Now अब मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है. सबसे पहले अब इसकी टेबल की तरफ चलते हैं. यहाँ पर है मेरी टेबल, ये रही. वेल गाइस अपने कोड पर आ चुके हैं हम. एंड कोड पर आने के बाद अब हम यहाँ आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखते हुए चलिए. देन यहाँ तक मैंने अपना टेबल टैग स्टार्ट किया है. टेबल टैग बॉर्डर 4 ये मैंने पिक्सल में वैल्यू दी हुई है. आप वैल्यू पिक्सल में दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं. देन TR सबसे पहले मैंने TR को डिफाइन किया, मींस टेबल रो को डिफाइन किया है. जब भी आप कोई भी टेबल बनाते हैं देन आप सबसे पहले टेबल रो को ही डिफाइन करते हैं. आपको इसी तरीके से इसको प्रैक्टिकली समझना है. देन इट बिकम टू मच ईजी फॉर यू. देन TR इज यूज फॉर टेबल रो. सबसे पहले हम TR के बाद या मींस रो बनाने के बाद हम हेडिंग्स लिखते हैं. देन हेडिंग्स के लिए टैग में यूज किया TH अलाइन सेंटर. क्लियर? मींस जो मेरे यहाँ पर नेम आ रहा है, ये मेरा नेम आ रहा है. दीज आर द टेबल हेडिंग्स. देन एंड इट बिकम इन अ सेंटर बाय यूजिंग दिस टैग, दिस एट्रीब्यूट अलाइन सेंटर, राइट? देन TH नेम, आफ्टर दैट क्लास सेक्शन स्पोर्ट्स, राइट गाइस? एंड आफ्टर दैट कैटेगरी. नेक्स्ट चलते हैं TR टैग क्लोज. यहाँ मींस यहाँ पर मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है. देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकंड रो. सेकंड रो के अंदर मैंने यहाँ पर डेटा फिल करना है, स्टार्ट कर दिया है. देन अलाइन सेंटर मैंने सभी के अंदर अलाइन सेंटर किया है. एंड बीजी कलर मैंने यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक टैग का यूज़ किया अलाइन सेंटर. आफ्टर डेट मैंने यहाँ पर बीजी कलर का भी यूज़ किया है, कलर पिंक. आप इसका आउटपुट भी देखते रहिए. अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ इसका कलर, अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, सपोज आई डू इट वाइट, WHITE, देन कंट्रोल S, मैं नीचे आ जाता हूँ, अपने पेज को रीलोड करता हूँ. देन गाइस आप देख सकते हैं मेरे सेल का कलर वाइट हो चुका है. देन नेक्स्ट मैंने बात की है TD अलाइन सेंटर. अभी हम मैंने यहाँ पर रो स्पेंड 2 दिया है. मैंने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया है कि गेम्स यहाँ पर मेरे कौन कौन से हैं. देन क्रिकेट एंड बैडमिंटन मेरे यहाँ पर गेम्स हैं. सो गाइस मैंने फोर्थ कॉलम में, राइट गाइस, फोर्थ कॉलम मेरा यहाँ पर कौन सा था, यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं. फोर्थ कॉलम था मेरा कैटेगरी. देन फोर्थ कॉलम के अंदर मैंने क्या किया है, सेल्स को यहाँ पर मर्ज कर दिया है. एंड कितनी सेल को मैंने रोज को मैंने यहाँ पर मर्ज कर दिया है. कितनी रोज को मर्ज किया, मैंने यहाँ पर 2 रोज को मर्ज किया. अगर मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ देन मेरी 3 रोज यहाँ पर मर्ज हो जाएंगी. पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज दैट यहाँ पर मैंने रोज को डिफाइन किया है. मैंने यहाँ पर 2 रोज को मर्ज करना है. मैंने यहाँ पर 2 रोज को मर्ज किया. देन मैंने यहाँ पर 2 दिया है. देन केम्स आप यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट भी देख सकते हैं, सॉरी इसकी वैल्यूज आप यहाँ पर देख सकते हैं. क्रिकेट एंड बैडमिंटन मेरे यहाँ पर 2 रोज है. उन दोनों को मैंने यहाँ पर फोर्थ अपने कॉलम के अंदर मर्ज कर दिया है. सो गाइस इसी तरीके से नेक्स्ट हम आगे चलते हैं. देन TR मेरी सेकेंड रो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है. देन थर्ड रो के अंदर मैंने डेटा लिया है सुमित का. देन क्लास 9 सेक्शन सी बीजी कलर मैंने यहाँ पर इसका ग्रीन दिया हुआ है. नेक्स्ट अलाइन सेंटर. देन रो स्पैन 2 यहाँ पर भी मैंने रो स्पैन 2 कर दिया अपने फोर्थ कैटेगरी में, कैटेगरी के अंदर. देन आप यहाँ पर देख सकते हैं जूडो कराटे मार्शल आर्ट्स के अंदर मैंने इसको कंसीडर किया है. एंड इसकी रोज को मैंने कंबाइन कर दिया है. नेक्स्ट अगर बात करें अर्णव 10 सी कराटे एंड फॉन्टेक क्लोज एंड पॉलीटेक क्लोज HTML क्लोज. सो गाइस इस प्रैक्टिकल को देखकर आप समझ चुके होंगे. मैं इसकी कंप्लीट कोडिंग आपको एक बार दिखा देता हूँ. इसका प्रैक्टिकल आपको करना है. वीडियो को पॉज कर इस कोड को आप लिख सकते हैं. एंड लिखने के बाद आपको इसको कम्प्लीटली ट्राई कर देखना है, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करेंगे देन आपके समझ में नहीं आएगा. या कंप्लीट कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं. एंड मैं इसको ड्रॉप डाउन भी कर देता हूँ बाय द स्क्रॉल बार. ओके
ओके गाइस, ये हमारा कंप्लीट लेक्चर था अबाउट द टीजी टैग. इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम दैट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. वेल गाइस, यहाँ पर हमारा एक एट्रीब्यूट और रह गया है, दैट इज VALING देन इक्वल टू, मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ टॉप, देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं. दैन मैंने यहाँ पर दे दिया टॉप, दैन कंट्रोल एस किया एंड वापस से अपने पेज पर आ जाता हूँ, पेज को रीलोड करता हूँ. सो गाइस, आप देख सकते हैं जो मेरा मार्शल आर्ट है वो टॉप पर आ चुका है. दैन नेक्स्ट, मैं इसको आपको दोबारा से चेंज करके दिखा देता हूँ. टॉप की जगह मैंने यहाँ पर कर दिया बॉटम. दैन कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ पर इसको रीलोड करके देखता हूँ. दैन आप गाइस देख सकते हैं ये मेरा बॉटम में आ चुका है. वेल गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही, एंड आपको इस कंप्लीट ट्यूटोरियल को दोबारा देखना है एंड एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करना है. अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है देन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए टेबल टैग एंड टेबल डेटा टैग. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द TR टैग एंड फ्रेम टैग, मीन्स टेबल रो टैग एंड फ्रेम टैग के बारे में. सो गाइस, कीप वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन गाइस एक लाइक तो बनता है, एंड please subscribe our channel for the more videos. Thank you and have a nice day.